अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो मैं भी चूँकि इंतहाई खुदगर्ज माँ होने के साथ साथ लालची और बेवफा भी है। इस ड्रामे के आखिर में इस औरत का क्या अंजाम होगा, जानने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें। आप लोग ये तो देख ही चुके हैं कि मेविश दानिश और अपने बेटे रोमी को छोड़कर शेवर के साथ जा चुकी है और अब तक बगैर निकाह के गैर मर्द के घर में उसकी बीवी बनकर रह रही है। मेविश शेवर से जब भी निकाह की बात करती है तो शेवर उसे ठाल देता है ये कह कर के सही वक्त आने पर मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। ऐसा ऐसा मेविश को भी इस बात का अंदाज़ा होने लग जाता है कि शेवर ने उसको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल ही करना था, जो वो कर चुका है। इसलिए अब शेवर के रवैये में भी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। शेवर को अपने बिजनेस में अच्छा खासा नुकसान होता है, जिस वजह से शेवर मेविश की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता और इस नुकसान को देखकर शेवर की बीवी वापस कराची आ जाती है। घर में इतनी खूबसूरत और जवान लड़की को देखकर वो शेवर से पूछती है कि ये लड़की कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है। तो शेवर अपनी बीवी को बताता है कि ये बहुत ही काबिल लड़की है, सारे घर के काम काज इसी ने ही संभाल रखे हैं। और शेवर मेविश को भी मुँह बंद रखने का इशारा करता है। शेवर की पहली बीवी मेविश से खूब काम करवाती है। काम कर कर के मेविश का बुरा हाल हो जाता है। तब मेविश को एहसास होता है कि चाहे दानिश के पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने मुझे शहजादी बनाकर रखा था और यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद भी मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ। एक दिन शेवर अपनी बीवी के साथ जा रहा होता है तो सामने से दानिश आ जाता है। वो शेवर के साथ किसी और लड़की को देख कर उसे रोक लेता है और मेविश के बारे में पूछता है कि क्या शेवर साहब, इतनी जल्दी आपका मेविश से दिल भर गया, एक नई लड़की को ले आए हो। इस तरह मेविश के असलियत शेवर की पहली बीवी को पता चल जाती है। वो अगर आकर मेविश को खूब मारती है और उसे अपने घर से निकाल देती है। मेविश के पास कुछ भी नहीं बचता, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और पागल हो जाती है। तो दूसरी तरफ दानिश अमीर होने के साथ साथ वो ये फैसला करता है कि उसे हानिया से शादी कर लेनी चाहिए, इसी तरह वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजारेंगे। दानिश की लाइफ में अच्छी लाइफ पार्टनर भी आ जाएगी और पैसा जिसकी ज़रूरत फर्स्ट वाइफ मेविश को थी वो भी मौजूद होगा और इस वक्त जो लॉस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेविश का होगा। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि किसी भी रिश्ते और किसी भी मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अब आप लोग क्या चाहते हैं कि लालची औरत जो दौलत के पीछे इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर और मासूम बच्चे को छोड़ जाए तो ऐसे औरत का क्या अंजाम होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।